प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबरोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे EM थॉमसन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम या EM थॉमसन परवलयिक विधि। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि किस प्रकार चुंबकीय फंक्शन द्वारा अपन आपसित कणों को किसी एक स्थान पर फोकस करते हैं, या विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में किस प्रकार आपसित कण गति करता है, तो उसका अपन अध्ययन कर चुके हैं और इसका यहाँ भी उपयोग होगा। देखें कि इस EM थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राम की बनावट क्या होती है। आप देखिए, इसमें एक ये कांच का बल्ब होता है या विशुद्ध नली होती है, इसमें एनोड और एक कैथोड होता है, इनके बीच में उच्च विभांतर लगाते हैं और दाब इसमें बहुत कम होता है। तो जब उच्च विभांतर बहुत कम दाब 10^-3 mm मरकरी होता है, तो इसमें क्या होता है कि गैसों का विसर्जन होता है, इसमें धनायन बनते हैं। ये धनायन SNO2 क्या होती है, जो स्लेट होती है, इसके अंदर बारीक छिद्र होता है, धनायन यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ देखें, ये P1 P2 दो धातु प्लेटें होती हैं, ये वही समांतर पट संधारित्र की क्या होती है, पट्टिकाएँ होती है, जो ये अपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसमें, इसके बीच में। दूसरा क्या होता है, NRS एक प्रबल विद्युत चुंबक होते हैं, ध्रुव होते हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। और ये अपना आगे पर्दा होता है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है कांच का, जहाँ पर धनायन इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। तो इनका जो सेंटर है, इनका सेंटर है वो यहाँ से इसकी दूरी x है और ये जो विस्थापन होता है वो कितना है, y। तो अब पहले अपन देखते हैं कि जो धनायन है वो स्लिट SNO2 से गुजरते हैं, तो बारीक धनायन किरण कुंज प्राप्त होती है। जब ये विद्युत क्षेत्र में निकलती है, पार होती है, तो ये विक्षेपित होती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में पहुँचती है तो भी विक्षेपित होती है। और यदि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जब इसमें भी इलेक्ट्रॉन गति मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से वो आपको चमक दिखती है, चित्र बनते हैं, दिखते हैं उसमें। तो अब देखिए आप कि इसमें पहले अपन ये कहेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कण क्या करता है, तनावित कण गति करता है। इस कंडीशन में लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, FE = QE/M। और आपका एक्सीलरेशन कितना उत्पन्न होगा, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, F/M होता है। तो एफ की वैल्यू रखेंगे तो E/M, ये इतना एक्सीलरेशन होता है। अब इसको v वेग से l दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, T = L/V। तो इनका विस्थापन कितना होगा, UT + ½ AT² ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए, इसका प्रारंभिक वेग 0 माने तो D1 = ½ AX × T² ½ AX / EM × L/V का, और इसको t की भी वैल्यू रख दी, t रख दिया और ax रख दिया। अब इसका जो विस्थापन होगा x एक्स ये, तो ये जो दूरी है इसके प्रोपोर्शनल होगा x = D1 या x = ½ QE/ML²V² या x = क्या होगा, K1 QE/ML²V का होल स्क्वायर होगा। इसको अपन इक्वेशन से ही देखिए, यानी ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति है। अब अपन कहेंगे कि नहीं, अपन चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, तो उस कंडीशन में चुंबकीय बल क्या लगेगा, FM = QVB। ये बी क्या लगता है, अपने लंबवत लगाते हैं अपन नीचे की ओर, क्या लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बी लगेगा। इसके कारण एक्सीलरेशन कितना होगा, A/4 / mass, तो QV/M। तो विस्थापन कितना होगा, वही D2 = ½ A/T² ½ QV/ML²V का होल स्क्वायर। तो हाफ क्या होगा, BQ/M, देखिए यहाँ BQ×L² और M/V। देखिए इसमें से एक V से एक V कट जाएगा, इसलिए अपना V आया। अब विस्थापन y अक्ष के अंदर विस्थापन कितना होगा, नीचे की ओर y = T, तो y = ½ BQ×L² / MV या y = KT, Q
के टू बी क्यू एल स्क्वायर बटा एम वी, ये भी अपनी वेलोसिटी है। अब अपन कहेंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाते हैं तो क्या होगा, धन किरण पुंज एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश एक साथ गतिशील होगी, ये देखिए यहाँ विस्थापित होगी और ये वाई अक्ष के अनुदिश भी जाएगी, तो एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन इसका एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन वाई है। अगर कोई वी लुप्त करना है तो इसमें क्या करेगा, इसमें तो है अपने वी स्क्वायर और इसमें वी है, तो इसमें क्या करेगा इसको वर्क करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बटा एक्स बराबर के टू स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एल फोर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इन टू, ये क्या हो गया आपका एक्स में क्या होगा के वन क्यू ई एल स्क्वायर और एम इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर सी स्क्वायर के अनुसार एम से एम एक एम बच जाएगा, देखिए आप वाई स्क्वायर बराबर एम बराबर के टू स्क्वायर के वन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटा ए क्यू बटा एम हो गया। तो इस को अपन पूरे को क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट मान लें तो क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर के क्यू बटा एम इंटू एक्स, तो ये प्रलय का सूत्र है, अलग अलग द्रव्यमान वाले कारण अलग अलग पैराबोला बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के तीन परबले प्राप्त होते हैं जिसके तीन समस्थानी होंगे, नियम के दो हैं जिसमें दो परबले प्राप्त होते हैं जो इसके आइसोटॉप्स बनाते हैं, आइसोटॉप्स का मतलब समस्थानिक है, ये अवसानी में क्या करते हैं अपना स्थान समान रखते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होता है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए आइसोटॉप्स का अध्ययन करने में ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम का उपयोग होता है। देखिए अब अपन इसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे, देखिए इसको एक बार आप वापस समझिए, ये अपना EBM थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राम है, इसकी बनावट में क्या करेंगे अपने एक विसर्जन नली होती है SNH2 दो स्लेटें होती हैं, इसमें P1 और P2 दो धातु प्लेटें होती है जिसमें जो अपन संधारित्र के प्रतिरोधक भांति कार्य करती है, इनसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, इसमें इसमें इसको प्लस और इसको माइनस देते हैं, तो ये अपना प्लस प्लस चार्ज होगा, इसके कारण क्या होगा ये गति करेगा इधर और ये अपना वायु मास होगा, ठीक है, और ये अपना एम और एस परबल विद्युत चुंबक के ध्रुव होते हैं जिसे क्या किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ये अपना कांच का स्क्रीन होता है पर्दा जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड लेप होता है, ये इसमें उच्च कोटि का निर्वात होता है और दाब क्या होता है 10^-3 mm ऑफ मरकरी बहुत कम होता है और उच्च विभवांतर तो लगाते हैं यहाँ कैथोड और एनोड के बीच में, तो गैस का या वायु का क्या होता है आयनन होता है, इसमें धनायन और एनायन बनते हैं, ये धनायन जो होता है वो कैथोड की ओर आकर्षित होता है, जब ये बारीक S1 और S2 सिलिटे होती है इनसे निकलता है तब उनको बारीक किरण पुंज धनायन की प्राप्त होती है। अब देखिए अपने धनायन की बारीक किरण पुंज और इसके ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का अध्ययन करेंगे, तो पहले अपन कहेंगे भाई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करेंगे ये गति करेंगे, तो देखिए बल तो लगेगा Fe = q×E और एक्सीलरेशन कितना उत्पन्न होगा E/m, तो इसके विस्थापन और ये एल दूरी जो है ना ये वेग है इसका, तो एल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा T = L/V, तो विस्थापन कितना होगा D1 = ½ Ax × T² ½ Q/m × L/V का और स्क्वायर, और ये जो विस्थापन हुआ एक्स प्लेटों का और उसका एक्स तो वो क्या होगा X = D1 X = ½ Q/m L² / V² या X = K1 Q/m L/V का और स्क्वायर। अब अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति के लिए क्या करेंगे E = 0 लिखेंगे, FM = क्या होगा QVB और Ay = क्या होगा QV/m हो जाएगा, तो D2 क्या होगा ½ Ay × E² ½ Q/m L/V का और स्क्वायर यानी हाफ ये आ जाएगा BQL² / M × V1 V से 1 V कट जाएगा, और वाई एक्स के विस्थापन कितना होगा Y = D2 के प्रोपोर्शनल माने तो Y2 = ½ BQL² MV या Y = K2 BQL² MV, ये आप अपन साथ में रखना चाहते हैं इसको कांस्टेंट में ले लिया आपने, ठीक है आप लेना चाहते हो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको कांस्टेंट में ले लिया, ठीक है आपको भी अपने कांस्टेंट में ले लिया, इसको अपन K2 लिख लिया। अब अपन कहेंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में गति कैसी होगी, दोनों के प्रभाव में क्या होगा धन किरण पुंज एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश गतिशील होगी, उनका एक्स और वाई दिशा में क्या होगा अलग अलग विस्थापन होगा, और अपन ये समीकरण में दोनों में जो है वी को लुप्त करेंगे, तो लुप्त करने के लिए क्या करेंगे इसको तो अपन स्क्वायर करेंगे और इसे इसको डिवाइड करेंगे ताकि वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखिए K² B² Q² L^4 M² V² इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा M² M V² / K1 QE × L² देखिए V² से V² कट गया, अब अपना L^4 से L^4 बचेगा, देखिए यहाँ
और ए टू स्क्वायर बटा के वन और बी स्क्वायर बटा ई, ये बी स्क्वायर बटा ई रहेगा, और क्यू बटा एम। ये क्यू बटा एम क्या होगा, अलग अलग आवेश और उसके द्रव्यमान का ये क्या है, अनुपात है, इसको क्यू बाई अनुपात कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 10^11 की पावर में आता है। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा के, इसको सबको अपने कॉन्स्टेंट मान लिया, क्यू बाई एम इंटू एक्स। तो ये परवलय का सूत्र है, और परवलय का सूत्र है तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, धनायन इस परवलय पथ में गति करेंगे, और जितने समस्थानी होंगे उतने पे क्या होंगे, परवलय प्राप्त होंगे, और इसके बाद इनकी सहायता से अपन समस्थानिकों या आइसोटोप्स का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद आपका।